हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेस्टन मैंगो चैनल पे। दोस्तों मैं हूँ रामकेश और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक एरर के बारे में। दोस्तों ऐसी मेरी सीरीज आपको देखने को मिल जाती है जिसमें हम लोग एरर को रिजॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आज का एरर जो है वो है कि मल्टी डेस्क प्रॉब्लम, यानी कि अनेबल टू कन्वर्ट योर क्लासेस इन टू डेस्क फॉर्मेट। अब दोस्तों यहाँ नीचे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको एरर मिलता है टू मेनी फील्ड रेफरेंस टू फिट इन योर डेस्क फाइल और 65,000 दिखा रहा है कि उतना लिमिट आप क्रॉस कर चुके हैं। तो दोस्तों मैंने उसे कॉपी करा और यहाँ पे गूगल पे मैंने पेस्ट करा। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे सोल्यूशन मिला, बट बताया गया कि मुझे जो यूनिटी प्रोजेक्ट है उसे मुझे एंड्रॉयड स्टूडियो पे ले आकर रन करना पड़ेगा एक्सपोर्ट करने के बाद। दोस्तों ये कितना मुश्किल होगा अगर आप इस तरह से करते हैं और काफ़ी एरर्स भी आएंगी। और दोस्तों नीचे एक सोल्यूशन लिखा हुआ था जिसमें फिक्स विदाउट एक्सपोर्टिंग द प्रोजेक्ट। तो इस सोल्यूशन को हम लोग गेट करेंगे, किस तरह से इस सोल्यूशन को गेट कर सकते हैं। और होप कि आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों आपने बहुत सारे प्लगइन्स इंस्टॉल कर लिए हैं और जिसकी मदद से आपको बिल्ड बनाने में दिक्कत हो रही है एंड्रॉयड का, जिसमें दिखा रहा है कि डेक्स जो क्लासेस हैं जावा की वो डेक्स में कन्वर्ट नहीं हो पा रही हैं, और जिसकी वजह से दोस्तों आपका डेक्स नहीं बन पा रहा है और आपकी जो मैक्सिमम क्लासेस हैं जो लिमिट अलाउ की जाती हैं वो क्रॉस कर चुका है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले स्टेप वन को फॉलो करेंगे। इसमें स्टेप वन है कि जहाँ भी आपका यूनिटी इंस्टॉल है वहाँ पे एडिटर पे जाना है और उसके बाद दोस्तों डेटा पे क्लिक करना है जैसा कि वहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारा फॉलो करना है और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हम लोग इस एरर को रिजॉल्व करेंगे। इसके बाद दोस्तों प्ले बैक पे क्लिक करते हैं इंजन एंड उसके बाद एंड्रॉयड प्लेयर। और दोस्तों आगे हमें दिखाता है कि हमें जाना है टूल्स पे, तो हम लोग टूल्स पे क्लिक करते हैं और टूल्स के बाद दोस्तों हमें जाना है ग्रेडल टेम्पलेट पे। तो ग्रेडल टेम्पलेट पे चलते हैं, ऊपर ही है तो ऊपर हमें क्लिक करना होगा। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों लिंक मैं अपने दूसरे चैनल का भी दे दूंगा, आप उसे जाके विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको मेन टेम्पलेट को क्या करना है, कॉपी कर लेना है। तो जस्ट इसे कॉपी कर लीजिए। और दोस्तों ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैटर था और इसमें मुझे काफ़ी टाइम भी लगा, बट दोस्तों ये सोल्यूशन डेफिनेटली वर्क करता है। कुछ सावधानियों के साथ अगर आप इसे करते हैं तो आपकी डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लगइन्स की बात करते हैं, क्लासेस की बात करते हैं। तो मेक श्योर आपके पास प्लगइन्स नाम की एक ही फाइल हो और उसको शो इन एक्सप्लोरर में करना है। अगर प्लगइन नाम की दूसरी भी हो तो उसे आप डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको पेस्ट कर देना है जो भी आपने वहाँ पे कॉपी करा था। तो चलिए मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। और इसको आप देखेंगे कि नीचे की तरफ आ चुका है आपका मेन टेम्पलेट डॉट ग्रेडल। और दोस्तों ये बहुत ही यूजफुल वीडियो है क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हैं कि यूनिटी के अंदर ग्रेडल फाइल को कैसे एडिट कर सकते हैं। तो इसको आप क्या कर लीजिए, मेन टेम्पलेट को एडिट कर लीजिए नोटपैड प्लस प्लस से। तो इस तरह से आपका खुल के आएगा, क्योंकि दोस्तों एंड्रॉयड स्टूडियो में सारा कुछ रहता है तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है, बट यूनिटी के अंदर नहीं मिलता है। तो आप ये भी सीख सकते हैं कि कहाँ से हम लोग इसको ग्रेडल फाइल को गेट किए हैं। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है क्योंकि अगर इसे कोई नहीं जानता है तो उसे बहुत ही टाइम लग सकता है सॉल्व करने में। अब दूसरा स्टेप ये है कि एंड्रॉयड प्लेयर के बाद आपको जाना है APK में, और उसके बाद APK में दोस्तों आपको एक मैनिफेस्ट फाइल मिलेगी जिसमें से आपको उसको कॉपी करना है। तो चलिए कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको अगेन प्लगइन में जाना है, सो इन एक्सप्लोरर में जाना है, और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, प्लगइन्स के अंदर एंड्रॉयड में जाएंगे और उस यहाँ पे अगेन पेस्ट कर देंगे मैनिफेस्ट फाइल को। तो दूसरा स्टेप हमने फॉलो कर लिया कि हमने मैनिफेस्ट फाइल APK के अंदर से निकाल लिया और वहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब दोस्तों इसको सर्च करेंगे तो इसमें आपको मैनिफेस्ट फाइल मिल जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसको हम लोग एडिट करेंगे, तो चलिए इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है, बिल्ड के अंदर और मैनिफेस्ट फाइल के अंदर थोड़े से चेंजेस करने हैं कि मल्टी डेक्स, यानी कि जो मल्टी डेक्स यानी जावा क्लासेस जो है वो डेक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सकें। तो आपको क्या करना है,
आपने दो स्टेप फॉलो कर लिया है, तीसरा स्टेप क्या है कि जो हमने मैनिफेस्ट फाइल है और जो ग्रिडल फाइल है टेम्पलेट की, उसे ओपन करना है और ऊपर जो भी एंड्रॉयड के लिए बताया गया है कि ऊपर बताया गया है कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो में यूनिट प्रोजेक्ट को ओपन कीजिए, तो वही चीज़ हमें करना है यूनिटी के अंदर। तो ऊपर का आप स्टेप फॉलो कर सकते हैं, बाकी मैं आपको तुरंत दिखा देता हूँ और ये सब मैं कर चुका हूँ तो मेरा आसानी से प्रोजेक्ट भी बिल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एप्लीकेशन के अंदर जाना है, मैनिफेस्ट फाइल को ओपन करने के बाद एप्लीकेशन के अंदर जाना है और इस लाइन को पेस्ट कर देना है। तो आप आराम से इसको देख सकते हैं, एंड्रॉयड कॉलन नेम इक्वल टू डबल कोड के अंदर एंड्रॉयड डॉट सपोर्ट डॉट मल्टी डेस्क एप्लीकेशन डबल कोड एंड एंगल ब्रैकेट बंद। अब इस चीज को अगर आप चाहते हो कहीं से कॉपी पेस्ट करना तो साइट से भी कर सकते हो, या नहीं तो आप मल्टी डेस्क सर्च करोगे तो आपको डेवलपर साइट पे ले जाया जाएगा, गूगल पर अगर आप सर्च करते हो और वहां से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और दूसरा दोस्तों आपको ग्रेडल के अंदर चेंज करना है, तो आपको क्या चेंज करना है, आपको चेंज करना है क्लास पाथ, जो भी डिपेंडेंसी है उसके अंदर आपको दोस्तों क्लास पाथ में ये पास कर देना है, क्लास पाथ इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखेंगे कॉम डॉट एंड्रॉयड डॉट टूल्स डॉट बिल्ड डॉट ग्रेडल। ये सारी चीज़ें आप एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट पे गेट कर सकते हैं, यानी तो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेवलपर डॉट एंड्रॉयड पे मुझे मिल जाता है, यहाँ से मैं जैसे कॉपी कर लेता हूँ। तो मल्टी डेस्क करके आप सर्च करेंगे एंड्रॉयड डेवलपर या डेवलपर एंड्रॉयड तो ये आपको मिल जाएगा, मैं लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप आसानी से इन सारी चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर सकें। और दोस्तों अगर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं तो आप इन्हें टाइप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट अगर कॉपी करते हैं तो कोई भी एरर होने की संभावना नहीं रहती है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको दो स्टेप करना था, आपको मैनिफेस्ट फाइल निकालनी थी, ग्रेडल फाइल निकालनी थी, मैनिफेस्ट फाइल में जो मैंने चेंज बताया उसको करना था और ग्रेडल फाइल में जो मैंने चेंज बताया उसको करना था। उसके बाद दोस्तों अब आपको चलना है यूनिटी पे, हमारा चौथा स्टेप। तो यूनिटी के अंदर चलते हैं हम लोग और यहाँ पे क्लिक करते हैं बिल्ड सेटिंग, और बिल्ड सेटिंग में दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है बिल्ड सिस्टम, जिसमें आपको ग्रेडल चूज करना है, और यहाँ पे दोस्तों डेवलपमेंट बिल्ड इसको आपको दोस्तों मार्क कर देना है, यानी चेक मार्क ऑन कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, प्लेयर सेटिंग में जाके आपको अपना एक यूजर की जनरेट करना है, जिसे आप बोल सकते हैं कि साइन एपीके बनाना है। तो जस्ट आप, मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप पहली बार इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपको यूजर की यानी कि जो साइंड एपीके है वो आप बना सकते हैं उस वीडियो को देख के। तो मैंने बना लिया है दोस्तों और मैं पासवर्ड भी इंटर कर चुका हूं, तो ये बहुत ही बेसिक है, आप इसके लिए मेरा वीडियो देख सकते हैं, अगर आपको ऑलरेडी पता है तो रियली वेरी गुड थिंग। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसे बिल्ड करना है, तो वी जस्ट वॉन्ट टू बिल्ड इट, तो इसे बिल्ड होने देते हैं और वेट करते हैं जब तक ये बिल्ड हो जाता है कि सही तरीके से रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और कोई क्वेश्चन अगर पूछा हुआ है तो अगर आपको आंसर पता है तो उसका रिप्लाई जरूर करें। और दोस्तों अगर आपके पास कोई सलाह है, अगर आप मुझे बताना चाहते हैं या कोई टॉपिक है जिसको आप चाहते हैं कि डिस्कस किया जाए तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए वेट करते हैं दोस्तों, तब तक हमारा बिल्ड बनता है, इसे मैं और फास्ट कर देता हूं। और दोस्तों अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मेरा दूसरा जो चैनल है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप प्लीज़ उसे जाए सपोर्ट करें, क्योंकि दोस्तों हमें वहाँ पर भी सब्सक्राइबर गिन करने हैं 1K फॉर सेंडिंग ऑन रिव्यू। और दोस्तों एक ऐसी प्रॉब्लम थी इसको मैं काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा था, इसको इम्प्लीमेंट करना भी काफ़ी मुश्किल था क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो पे ले जाके करना पड़ेगा, ये सुन के मेरा हालत ख़राब हो गया था। बट दोस्तों फाइनली आई डिड इट, आई रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। और दोस्तों जब भी मैं रिजॉल्व करता हूँ तो मेरे दिमाग में आता है कि मुझे शेयर करना चाहिए ताकि लोगों को इतना प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, उतना टाइम वेस्ट ना करना पड़े जितना मुझे फेस करना पड़ता है, कभी कभी वन डे बीत जाते हैं इस एक एरर को सॉल्व करने में।
तो दोस्तों इस तरह की मैंने बहुत सारे एडिट्स के ऊपर वीडियो बना कर रखे हैं, आप वहाँ पे जाके मेरे प्लेलिस्ट के वीडियोस देख सकते हैं। और जब भी आपको एरर आए तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं एक बार, या नहीं तो आप उनको वीडियोस को देख सकते हैं। जब भी आपको उस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो आप उनको बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। और दोस्तों मेरे प्लेलिस्ट में काफ़ी यूजफुल वीडियोज़ हैं, लाइक यूनिटी के बेसिक जो कंसेप्ट हैं उनके बारे में मैंने बनाया हुआ है। मैंने एक बॉल का गेम पूरी तरह से बनाया हुआ है, तो आप उसे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों अभी हम लोग फ्यूचर में आने वाले टाइम पे काफ़ी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं रिलेटेड टू लर्निंग। और जीमेल लॉगिन, फेसबुक लॉगिन, ट्विटर लॉगिन, ये सारा कुछ हम लोग यूनिटी के साथ कर चुके हैं फॉर द एंड्रॉयड, तो आप उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमारा ग्रेडल बिल्ड होने वाला है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। और दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिए जो भी गेमिंग इंडस्ट्री में हैं या जिनको टेक्निकल वीडियोस देखना पसंद है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग लर्निंग के टेक्निकल वीडियोस, यूनिटी के वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करते हैं। तो अभी दोस्तों काफी टाइम ले रहा है, बट प्रोजेक्ट भी मेरा काफी बड़ा है जिसकी वजह से टाइम ले रहा है। और दोस्तों जीमेल लॉगिन मैं करा रहा हूँ तो काफी मुझे प्रॉब्लम हो रही है।